में कहा गया है कि इसी समय दोनों पक्षों को इस समय जरूरी है कि वो संयम बरतें, लेकिन इस संयम के बीच ही मैं चाहूंगा कि सिद्धांत सिब्बल आप आए इस मामले में, इस चर्चा के ऊपर। भारत की तरफ से कहा जरूर गया है कि इस मामले के अंदर संयम बरता जाए, लेकिन संयम इस समय नजर नहीं आ रहा है। अगर एडवाइजरीज की बात की जाए तो तेहरान में भी भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, तेल अवीव में भी जारी की है, लेकिन इस समय में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा टेंशन होगा अगर यह टेंशन बढ़ता है इसराइल और ईरान के बीच? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला, ईरान और इसराइल की बात कर लें। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, इसराइल में करीब 18,000 भारतीय हैं। और थोड़े दिन पहले हमने देखा कि कैसे एक बैच भारतीयों का इसराइल गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनके। पर कहीं ना कहीं भारत के लिए फोकस होगा कि कैसे जो उसके अच्छे रिश्ते हैं तेहरान के साथ और इसराइल के साथ मिलकर भारतीयों की एक तरफ से सुरक्षा एक तरफ से एक बड़ी प्रायोरिटी होगी। दूसरा, स्पिल ओवर इम्पैक्ट। अगर स्पिल ओवर होता है तो भारत से और बड़ी चुनौतियां होंगी एक डायस्पोरा को लेकर, क्योंकि भारत की एक बड़ी डायस्पोरा वेस्ट एशियन रीजन में है। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट एशिया में, तो उनकी सेफ्टी भारत के लिए एक प्रायोरिटी होगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपना तेल आयात करता है बहुत सारा इराक के साथ, सऊदी के साथ, उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकती है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो सकती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि भारत की एनर्जी सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। जनरल सिवाज, अगर वॉर जोन की मैपिंग के लिए मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, तो इस समय में जैसा आप कह रहे हैं कि इसके अंदर एस्केलेटरी मैट्रिक्स के ऊपर ये नजर आ रहा है, यानी ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर बढ़ता हुआ तनाव नजर आ रहा है तो कौन कौन से और इलाके हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं, यानी कौन कौन इस लड़ाई के अंदर कूद सकते हैं? देखो, ये सच्चाई है प्रणम, ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि इजराइल पे आज तक किसी ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। अगर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया और इजराइल चुप रहता है तो फिर वो मिडल ईस्ट में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सोचना कि इजराइल मान लेगा जो बाइडन की बात और एस्केलेट नहीं करेगा, ये मुझे नहीं लगता। वो पक्का इसको एक प्रकार रेस्पॉन्स देगा, मगर कितना रिस्पॉन्स देगा वो क्वेश्चन है। मगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये सच्चाई है, इसके अंदर अमेरिका आ सकता है, और कहीं ना कहीं जो ईरान है उसके पास रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया का जो सिवाच, लेकिन अमेरिका की तरफ से फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इस मामले के अंदर वो ईरान या तेहरान के साथ में किसी भी तरीके का सीधा संघर्ष नहीं चाहता। मैं लौटूंगा आपके पास में, साथ ही विशाल और आरती टिक्को भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन रविंद्र का रुख इस समय कर लेते हैं। रविंद्र, आज प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तब उसमें भी उन्होंने इस चीज को लेकर जिक्र किया, ये युद्ध का काल नहीं है, लगातार प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस समय में जिस तरीके से संकल्प पत्र में भी कहा गया है भारतीय की सुरक्षा कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि भारत इस समय चुनाव में भी है? देखिए, भारतीयों के लिए या भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि रेड सी में हौती कर रहा था और अब पर्शियन गल्फ में ईरान और इसराइल के जो बीच में लगभग युद्ध शुरू होने की स्थिति में है, और तो ऐसे में ट्रेड को लेकर परेशानी हो सकती है। और भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा है कि हम 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे अगले 5 साल में, लेकिन अगर इस तरह से युद्ध फैलता रहा रशिया और यूक्रेन इधर से, फिर आप हौती का अटैक हो रहा है रेड सी में, हमारे बिजनेस में काफ़ी परेशानी हो रही है व्यापारिक में, और इसको लेकर ईरान चूंकि हमारा दोस्त है, इसराइल भी हमारा दोस्त है, हमारा ईरान में हम बंदरगाह भी डेवलप किए हैं लाख विरोध के बावजूद, ऐसे में भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। भारतीयों को निकालना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन जैसे गंभीर हालात में 2 घंटे तक वार रुकवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल विदेश हजारों वहां से निकाला था, ये आपने भी देखा। तो ये भारतीयों को निकालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो ट्रेड होगा वो मुश्किल होगा कि कितना सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि हालांकि ये देखिए न्यूक्लियर वार टाइप का कोई स्थिति नहीं होने वाली है, ईरान कोई न्यूक्लियर वार कंट्री नहीं है, इसराइल उस पर हावी पड़ सकता है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, क्योंकि ईगो की बात हो गई है, इसराइल ने उनके एम्बेसी पर किया, ईरान उसका जवाब दे रहा है, ईरान के हिजबुल्ला है, तो इसराइल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका साथ में होगा, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेंड नहीं करने वाला। लेकिन आप कह रहे हैं इसके अंदर भारत की चिंता इस चीज को लेकर है, भले ही तात्कालिक हो लेकिन भारत की चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। और आज जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम विषयों के ऊपर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे, और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे, और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की हो। साथियों, आज विश्व में
अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किए जाते समय क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। एक बार तमाम